तरीके हो सकते हैं कि आप अगर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप विनर बन सकते हैं। पॉवर्टी आपके विनर बनने की उनकी सोचते कितने दिन हो, मैंने सफलता का कहीं नाम नहीं लिया है, इसमें फेल होते हैं होते हैं होते हैं, फेलियर का कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता है, लर्निंग होता है। एडिशन सबसे बड़ा नाम है जिनके नाम 1000 से ज्यादा के बैठे हैं, उन्होंने बिजली बनाई इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की, उसमें उनका नाम तो बड़ा हो गया लेकिन उसके अलावा भी आप जानते हो कि 1000 पेटेंट उनके नाम है, तो वो उस वजह से है क्योंकि उन्होंने 10000 बार फेलियर खेली है, लर्निंग की है 10000 बार। हम एक बार फेल हो जाते हैं तो उसमें बड़ा कहना नहीं, दो बार हो गए तो बहुत भी बड़ा, तीसरी बार हो गए तो छोड़ देते हैं। बहुत सारा मेरे वीडियो आपको मिल जाएगी, एक वीडियो ऐसी मिलेगी जिसमें फेलियर ही सबसे जरूरी है, पेरेंट्स मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चे भी दुख लगे हैं तो बच्चे को चलो बैठे। और तो मैंने बहुत सारे जैसे फैमिली के प्रोग्राम की क्लास होती है उसमें देखा है माँ के पास टाइम नहीं है, बच्चा 6 महीने का 1 साल का है मोबाइल चला रहा है, रेडिएशन कितना ज्यादा हुआ है, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, जब आप देखा करते थे कि हमारे दादाजी दादी जी कहा करते थे 10 फीट दूर से देख रोशनी बहुत तेज है, उसका रेडिएशन तो बहुत कम होता था, अब तो कलर टीवी है मोबाइल का रेडिएशन इतना तेज होता है, 4K क्या बोलते हैं लेटेस्ट आज से देखते हैं इसके दूर से क्या होगा माइंड की स्थिति। ये हमने माइंड की फोटो इसलिए लगाई है क्योंकि कहा जाता था ये ऐसे ही नहीं काम करता है, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, पार्ट होते हैं तो क्या होता है तो ये वाला जो पार्ट होता था वाला, कोई चीज ऐसी नहीं होती थी हमारे कल्चर में, सब चीज के पीछे लॉजिक था। सुना होगा ये डायलॉग टीचर्स को तो ज्यादातर याद होगा, आज की टीचर्स का मैं कह नहीं सकता लेकिन हमारे समय में बहुत था, क्योंकि आजकल पेरेंट्स सामने आ जाते हैं अगर बेटे को या उसके बच्चे को कोई डांट भी दे या पीट दे, लेकिन हमारे समय में जब एडमिशन दिलाने जाया करते थे तो कहा करते थे मास्टर जी सुधार देना इसे, याद है आप सबको सुधार देना इसे, तो ये रिव्यू वाला पार्ट जो होता था ना इसी को सुधारने की जरूरत होती थी, यही आपकी मेमोरी डेवलप करता है, यही कहीं मारते हुए कहते थे बुद्धि में मारूंगा ना अकल हिस्सा में आ जाएगी, याद है डायलॉग जो पढ़े होंगे उन्हें याद होगा, इसको कहते हैं पैरेंटल लोगो। तो यहां पर ये होता था, दूसरा होता था इसका हमने देखा होगा मुर्गा बना देते है ना, जब दिमाग का काम नहीं कर पाएगा तो फिजिकल को मजबूत कर दो, इसे उसको कर पाएगा तैयार है, उसके पीछे इतनी शक्ति भी हुई होगी क्योंकि बच्चे को किसी ना किसी अच्छी जगह पे ले जाना है, सबसे ऊपर जाना है, लेकिन आप रिलेशन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग नहीं होता, पैसा मुझे टाइम से मिलना चाहिए, बच्चे से मेरा वो इमोशनल कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा, खाली टीचर्स की बात नहीं कर रहा, पेरेंट्स का भी, पेरेंट्स कितना समय आप उसको दे पाते हैं, आप जो सिखा सकते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता, सबसे बड़ी लर्निंग जो होती है वो घर से ही शुरू होती है, माँ की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो माँ सिखाएगी वो बच्चे के ऊपर छाप छोड़ता है, इसलिए हुआ क्या के स्क्रीन में लगे हैं, हमने इस तरीके का प्रोजेक्ट भी शुरू किया जिसमें हम गरीब जो वर्किंग मिडिल क्लास की महिलाएं हैं उनके लिए हम रोजगार का साधन कुछ डेवलप कर रहे हैं, सिर्फ उनसे क्या मांग रहे हैं जो 3 या 4 घंटे वो स्क्रीन पे अपने लगाती हैं अनप्रोडक्टिव टाइम, जो प्रोडक्टिव में लगा रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, उससे पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो अनप्रोडक्टिव लगाती हैं उन्हें हम उनसे हमने वो टाइम मांगा उसके बदले में हमारे पैसा दे देंगे, वो लीडर हमारे लिए डेवलप करते हैं कि ये चार अपनी मर्जी से काम करते हैं, जब भी टाइम हो डेवलप करते हैं और हम उसका पैसा लेते हैं, वो एक अलग प्रोजेक्ट है वुमेन्स क्लब के नाम से हमने खोल रखा है, उसके लिए हमारे बीच हमारे सेल्स हेड भी आए हुए हैं
प्रकाश जी, प्रकाश जी एक बार खड़े होकर उनका दिखा दीजिए सबको अपना चेहरा, तो जो मिलना चाहेंगे तो आप उनसे मिलिए। ये आपको सम्मान देंगे राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी और ये सब हमारे से हैं, तो इनसे आप मिलेंगे तो पैसा कहीं हो सकता है, क्योंकि पैसा कमाने से ही आएगा। मेरी चाहे 1 लाख रुपये से भी हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, जॉब करने वालों का एक ही हाल होता है, 25 तारीख के बाद सन्नाटा होता है, क्योंकि हमें जो पता होगा ना इतने पैसे तो आए कि 2-4 तारीख में, तो खर्चे उससे बड़े बना लेते हैं, है ना। तो पैसा कमाने से ही आएगा, तो कमाने के लिए मैंने आपके लिए रास्ता खोला। अब आते हैं कि क्यों लॉन्च करना पड़ा इस प्रोग्राम, क्योंकि ऐसा होता है, स्किल कहीं भी होती है, नॉलेज कहीं भी होती है। एक बच्चा मुझे मिला बस स्टैंड पे, छोटा सा बच्चा था, नोएडा की बात कर रहा हूँ, नोएडा रहता हूँ, तो उसके हाथ में एक प्रोजेक्ट था इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें उसने स्टॉक किया है उससे वो बना रखा था, और ये वो किया बिजली इसके उसे बेल बना रखा था, उसका बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बना रखा था, और वो प्रोजेक्ट सोलर था, लेकिन उसने बैटरी कहीं नहीं नहीं लगा रखी। मैंने उससे पूछा था कि ये क्या है प्रोजेक्ट, क्या सोलर, तो मैंने कहा ये चलता है ऑब्वियसली चलेगा, तो मैंने कहा लेकिन कितना सोलर होता है आपको क्या जरूरत है इसकी, मुझे लगा मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा बिजनेस आ गया है, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट एक सेल लगाया उसमें, कॉस्ट उस पर चाहे कुछ भी हो और वो हम यूज कर ले, तो ये बड़ा एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, बहुत बड़ा आइडिया हो सकता है। तो मैंने तो देखी ये आइडिया क्या है, मैंने कहा बेटा ये क्यों बनाया है, सर मेरा प्रैक्टिकल है 30 नंबर, कितने नंबर का है 30 नंबर का, 30 का मतलब आई डोंट नो। तो मैंने सोचा 20 नंबर मिल जाएंगे, इसके बाद स्कूल में इसके 1500-2000 बच्चे होंगे, उनको पता लगेगा, पता नहीं लगेगा भी है नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में क्या नंबर, उसके दिमाग में वो आइडिया नहीं है, उसके दिमाग में है नंबर, अब नंबर है तो नंबर के गेम में तो फंस के रह गया हूँ, उसके पास इतना बड़ा आइडिया था। अब उस आइडिया को मैं 30,000-40,000 के अपने देश के हर बच्चे के पास तक कैसे ले जाऊँ, जिससे वो उससे बड़ा सोच के उसको स्केल अप कर सके। जब तक मैं किसी काम को स्केल अप नहीं कर देता तब तक वो काम की वैल्यू नहीं होगी। मोदी जी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल है, लेकिन मोदी जी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है या नितिन गडकरी जी की क्या है, वो किसी भी काम को इतना बड़ा स्केल अप कर देते हैं कि आज उस पर रहना अच्छी लिख लो क्या, ये भी बात क्या है, एक बार शुरुआत कितनी है दूसरी बार की जाता है। तो ये लगी बचत से ही आपकी है, मतलब किसी चीज को कहां तक ले जाया जा सकता है, कितने लोगों के काम का हो सकता है। तो हमने सोचा कि इस आइडिया को हम सारे स्कूलों तक ले जाएंगे, क्योंकि मैं दुमाऊ रीजन देख रहा हूँ तो दुमाऊ की मेरी लिमिटेशन है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट मेरा हिट होता है तो ये ग्रुप में चला दूंगा, तो हर बच्चे के पास तक चला जाएगा। तो मैंने ऐसा क्या बनाया जाए कि बच्चों का मतलब तो क्योंकि न्यूज पेपर में क्या पढ़ेंगे बच्चे, स्पोर्ट्स इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे पढ़ते नहीं है, तो बच्चों के लिए हमने फिर इंस्टाग्राम बनाया जिससे कि उनका माइंड डेवलप हो सके। इसी तरीके का पैकेज उसमें आता है, AI का आता है, टेक्नोलॉजी का आता है, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट कौन से आते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो काम क्या होगा, टेक्नोलॉजी सेल करना है हमें, ठीक है, तो हम उसकी अच्छी अच्छाई बताते रहेंगे कि बहुत अच्छा है जी आईफोन आ गया बहुत बढ़िया है जी, सैमसंग आ गया बहुत अच्छा है जी, ठीक है, लेकिन उससे नुकसान भी क्या है, मेरे बच्चों को कैसे वो ग्रो कर सकता है, कैसे उसका विकास कर सकता है, उस पर हम काम करते हैं। और बच्चों का ही कंटेंट उस पर लेते हैं 60% के करीब बच्चों का कंटेंट होता है, 40% हम अपना डालते हैं, तो ये चीज चलती रहती है। उसके लिए हमने फिर कहा बच्चों को रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट का मेरा एक प्रेजेंटेशन है सेशन के बाद, न्यूज के बाद अगर कोई देखना चाहे बहुत काम आने वाला है, कुछ लेके जाना चाहेंगे तो मैं 10-15 मिनट के लिए दूंगा वो, और उसके बाद इसके जस्ट कुछ बच्चे आए थे इसलिए मैं आपका 10 मिनट चाहिए थे, तो आप लोग मेरे ख्याल में क्विज शुरू कर देना चाहिए, तो क्विज के लिए मैं राकेश जी को आमंत्रित करता हूँ। और क्वेश्चन एक चीज बताना चाहूंगा, क्विज का क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, आपने QR कोड स्कैन कर लिया होगा, जिसने नहीं किया है हैंड रेज कीजिए, बेटा आप QR कोड क्यों आया होगा, नहीं हुआ बेटा तो आगे आप QR कोड स्कैन करो और जल्दी। तो इसमें पिछली बार क्या हुआ था कि 19 बच्चों के 100 मार्क्स आए थे,
हमें लग रहा था कि बच्चे यहाँ होशियार नहीं होंगे, हम भी बहुत बड़े हैं, हम ऐसा पेपर बना देंगे कि बच्चे नहीं ले पाएंगे। उसमें दो क्वेश्चन इस तरीके के डाले थे, मुझे लग रहा था ये तो कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन उसमें भी 19 बच्चों के 100 आए, तो हमने सोचा यार बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, तो हम सीखने लगे। मैं सबसे बड़ा स्टूडेंट हूँ ऊपर, तो किसी से भी सीखने को मिलता है वो सीखते हैं। तो अब हमने क्या काम किया कि 19 को अगर चैप्टर ऑफ द मंथ घोषित करेंगे तो सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगी, मतलब चैप्टर कंपटीशन इतना नहीं दिखेगा। तो हमने उसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के नंबर भी जोड़े। उसके बाद इसलिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी आपको अटेंड करना है तभी, क्योंकि अगर इस तरीके का स्कोर आता है फिर हम उसमें फिर 7 बच्चे रहेंगे टॉप पे, एक से मार्क्स थे, 7 के पेरेंट्स को बुलाया, फिर लगी करो कहीं ना कहीं भाग्य भी काम आता है, तभी तो हम ऐसी फैमिली में रहते हैं एजुकेशन वाली के रहते, है ना। तो ये भी चीजें हैं। अब शुरू करते हैं तो मार्क्स इस तरीके से दिए जाएंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन हो वो